एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम लोग भी एकदम बढ़िया हैं। तो गाइस, कल से नवरात्रे स्टार्ट हैं, आप लोगों को पता है। तो बस अभी मैं थोड़ी देर में हम लोग निकल रहे हैं मार्केट। मार्केट तो क्या, बस यहीं पास में हमारी शॉप है, वहाँ पे पूजा का सब सामान मिल जाता है। तो इसलिए मैं, मौली और अमायरा जा रहे हैं वहाँ पे सामान लेने पास में ही। तो चलो गाइस, थोड़ी देर में मिलते हैं। तो गाइस, हम लोग जा रहे हैं सामान लेने। अमायरा है और मौली है, याना नहीं जा रही, और हम तीनों जा रहे हैं। बोल दे हाय गाइस, कैसे हो? बोल, मैं जा रही हूँ घूमी घूमी। चलो ये वाला, नहीं ब्लू, ब्लू कलर नहीं यार, ग्रीन अच्छा है। और ये वाला कितना अच्छा है, ये कोट। हाँ नहीं नहीं हाँ ये हरा। सो गाइज, ये देखो कितने सुंदर सुंदर मूर्तियाँ रखी हैं माता रानी की, और ये लाइट्स वगैरह भी बहुत अच्छी हैं। तो मुझे एक लाइट भी लेनी है मंदिर के लिए, और चलो मैं देखती हूँ। और ये मुझे एक येलो कपड़ा और रेड आसन में बिछाने के लिए चाहिए माता रानी का। और ये देखो कितने सुंदर सुंदर वॉल हैंगिंग भी है यहाँ पे, डेकोरेशन के लिए बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ भी हैं। और ये फ्लावर्स भी आए हैं यहाँ पर नए, तो ये अभी हम फ्लावर्स वगैरह सब दिवाली में देखेंगे। तो अभी नवरात्रे हैं तो नवरात्रे का सामान ले लेते हैं। और इतनी ज़्यादा भीड़ है, इतनी ज़्यादा भीड़ है, ये आप देख सकते हो। तो इतनी भीड़ में तो आप भूल ही जाओ कि आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। तो जितनी मेरे से हो पाएगी मैं उतनी आपको दिखा दूँगी, ठीक है। और ये देखो गाइस, कितनी सुंदर माता रानी की मूर्तियाँ, इतनी सुंदर थी कि मेरा मन कर रहा था कि मैं एक ले लूं, पर नहीं ले सकते। आपको पता है हमारे पास है माता रानी, इसलिए नहीं ली मैंने। और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी, मेरा मन कर रहा था ये वाली माता मैं ले लूं। आप बताना कैसी लग रही हैं आपको? क्या चाहिए, क्या दिखाओ, ये चाहिए आपको? ये देखो, अमायरा तंग कर रही है कभी। ये देख डॉल कितनी प्यारी है अमायरा, ये देखो डॉल्स क्यूट। और ये देखो डक, क्या चाहिए आपको जल्दी बताओ? ये देखो डॉल क्यूट, हाँ। तो गाइस, हम लोग सामान लेकर आ गए हैं और वहाँ पे ज़्यादा शूट नहीं कर पाए। आप लोगों को पता है कि बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी आज, तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि एक घंटे तो वहाँ खड़े खड़े मेरी कमर ही बिल्कुल अकड़ गई अमायरा को उठा उठा कर। आज तो अमायरा बिल्कुल भी नहीं मान रही थी, जैसे नीचे छोड़ूँ वैसे ही चिल्लाना शुरू, जैसे नीचे छोड़ूँ वैसे ही चिल्लाना शुरू होगी कि गोदी में उठाओ गोदी में उठाओ। और मैं इतना थक गई कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। और गाइस, सामान मेरा ज़्यादा हो गया था, तो मैंने तो गोदी में अमायरा को उठा रखा था, और क्या बोलते हैं, मौली को मैंने दे रखा था फ्रूट वगैरह उठाने के लिए। तो मतलब वो सामान हम लोग उठा नहीं पाए। तो मैंने शॉप वाले भैया को बोला कि हमारा सामान घर में भिजवा देना, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं फ्री, जैसे ही होते हैं हम लोग, कोई लड़का फ्री होता है तो आपके भिजवा देंगे घर में। इसलिए मैं छोड़ा ही, आधा सामान हम ले आए और आधा सामान हम छोड़ा है, क्योंकि मेरे से उठाया ना जाए। मैंने एक हाथ में तो मतलब गोदी में तो मैंने अमायरा को उठा रखा था, और मौली ने उठा रखा था फ्रूट वगैरह, उसके हाथ में भी सामान था। तो गाइस, जब सामान आएगा तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि क्या क्या सामान लिए। वैसे तो आप लोगों को पता ही है पूजा का सामान क्या होता है, पर फिर भी क्या पता आप लोगों को मेरा सामान देख के थोड़ा याद आ जाए और आप लोगों को भी आइडिया मिल जाए। वैसे तो वीडियो कल जाएगी, आप लोग सामान तो ले ही आए होंगे। तो चलो गाइस, अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, थक गई हूँ, और पूजा वगैरह करती हूँ फिर। तो गाइस, पूजा मैंने कर ली है, तो गाइस चेंज कर लिया है मैंने, और मेरे इतना हेडेक हो रहा है, मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत ही ज़्यादा हेडेक हो रहा है। बस अब मैं थोड़ी देर पे जा रही हूँ गाइस नीचे शॉप में, मुझे क्योंकि थोड़ा सा और सामान लेना है पूजा के लिए, घी वगैरह और पंचमेवा
कुछ सामान लेना है, देखती हूँ अभी मेरे को याद भी नहीं आ रहा है। तो चलो गाइस मैं अभी थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे, पहले मैं नीचे शॉप में जाके आ। सो गाइस सामान आ चुका है, तो मैं जल्दी से आपको एक एक करके सारा सामान दिखा देती हूँ जो हम लोग लेकर आए हैं पूजा के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हैं आम के पत्ते, ये तो आपको पता ही है कि बहुत ही काम आने वाली चीज़ है पूजा में। तो ये हैं आम के पत्ते, इनको मैं धो धा के रखूँगी अभी थोड़ी देर में, जिनमें मैं जौन उगाऊंगी। और ये दो मिट्टी उसकी, हाँ ये मिट्टी है, इनको मैं धो के अभी रखने वाली हूँ, सुखाने वाली हूँ सुबह के लिए। तो गाइज ये आसन है जो हमें माता रानी की चौकी पे बिछाना है, देखिए कितना सुंदर लाल रंग का, शायद मैं पीला भी लाई हूँ एक, है ना। एक ये लिए है मैंने आसन, येलो कलर माता रानी का आपको पता है, लाल और पीला रंग माता रानी को बहुत प्यारा है। चुप हो जा मायरा। गाइस ये माता रानी की चुनरी लाई हूँ मैं, एक ये है, एक ये है। गाइस एक ये है रेड कलर की, बहुत ही सुंदर, मतलब मुझे इतनी सुंदर लग रही थी ना वहाँ पे माता रानी की चुनरियाँ, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी लूँ, तो मैंने चार तो उठाई ली, इनका जो भी अच्छी लगेंगी वो मैं बदल बदल के, वैसे भी माता रानी के कपड़े तो चेंज करते ही हैं तो बदल बदल के उनको पहना देंगी। तो गाइज ये देखिए माता रानी के कपड़े वस्त्र उनके मैंने लिए हैं, ये पीले रंग के, बहुत ही सुंदर, जैसे मैंने पिछली बार लड्डू गोपाल के लाई थी ना, आप लोगों ने देखा होगा ब्लॉग में, वैसे ही माता रानी के, ये देखिए कितना अच्छा इसमें वर्क हुआ है। तो ये लाई, मुझे बहुत प्यारा लगा ये ड्रेस माता रानी की। एक ये लाई हूँ, एक ये ऑरेंज कलर में, ये देखिए। और गाइज ये लाई हूँ मैं माता रानी का हार, ये देखिए ये भी बहुत सुंदर है। और एक लाई हूँ मैं ये गाइज एक हार, ये इतना सुंदर लगा मुझे, इतना सुंदर लगा मैं क्या बताऊँ। ये बड़ा है, मतलब मेरी माता रानी तो थोड़े मतलब छोटे हैं, तो उस मुकाबले ये हार बहुत ही बड़ा है मतलब, तो फिर भी मैंने सोचा कि मैं लूँगी और एडजस्ट करके उनको मैं पहनाऊँगी। ये हार इतना सुंदर, ऐसे लग रहा है कि ये उसका बना है, कमल के फूल वैसा लग रहा है, वैसी लुक आ रही है कमल के फूल की, और बहुत ही सुंदर है। और गाइज ये रुई की बाती और धूप कुमकुम और मेन ये जौ, अभी मैं इनको साफ़ करके भिगो के रख दूंगी पानी में, क्योंकि सुबह इनको हमने बोना भी है सुबह। और गाइज माता रानी के मंदिर में मैंने जो लाइट लगाई थी बहुत ज़्यादा डिम हो गई है, क्योंकि वो मैंने लगाई थी दिवाली पे, तो वो बहुत डिम हो गई है, तो मैंने एक ये लाइटिंग लेकर आई हूँ मंदिर के लिए। ये है गंगा जल, तो गंगा जल भी मेरा ख़त्म हो गया है, तो मुझे अभी लेना पड़ता है दुकान से ही। तो गाइज ये माता रानी की बिंदिया है, ये लेकर आए हैं। और ये है नारियल, और ये लेकर आई हूँ मैं हल्दी की गांठ, और ये कोड़ी कहते हैं, ये सुपारी, और अरे मेरा हाथ आ गया, सुपारी, और ये कमल गट्टे, तो ये भी पूजा में यूज़ होते हैं। मैंने एक ये दिया लिया है, बहुत ही सुंदर हैवी है। और एक ये थाली ली है मैंने पूजा के लिए, ये देखिए, आयरा पीछे पड़ गई थी तो उसको ये लेना था पेपा पिग, तो उसके लिए एक पेपा पिग ले दिया ये स्कूटर वाला। और एक ये लिया है फैन मॉली ने अपने लिए, और एक ये स्पिनर मॉली ने। तो गाइस ये सामान हम लोग लेकर आए थे पूजा का, और हाँ और माता रानी के 16 श्रृंगार का सामान है वो मैं दिखाती हूँ आपको। इस माता रानी के 16 श्रृंगार में हमने लिया है एक चुनरी, पाउडर, लिपस्टिक, कंघी, और ये मेहंदी, ये ऑयल, ये नेल पेंट, बिंदी, और ये माता रानी का मंगलसूत्र, ये काजल, ये सिंदूर, और ये बिछिए, और हैं ये कान के इयररिंग्स, और ये शीशा, ये रबर, ये क्रीम, और ये चूड़ियाँ।
तो गाइज बस अब हम लोग जा रहे हैं, मैं याना मौली, पूजा की सफाई करने। और बस पूजा की सफाई करके अभी रख देंगे ताकि हम लोग सुबह के लिए हमको सही हो जाए, क्योंकि सुबह सुबह आपको पता है सफाई करो, नहाओ, पूजा वगैरह करते लेट हो जाते हैं, इसलिए हम लोग पूजा की डेकोरेशन, साफ सफाई सब कुछ अभी करेंगे। तो गाइज यहाँ पे मौली कर रही है मंदिर की सफाई। देखिए आपको पता ही है रोज़ पूजा पाठ होता है, तो धुएं से देखो किसके हाथ कितने काले हो गए हैं। वैसे सफाई तो होती रहती है, जैसे नवरात्रे हो गए या कुछ होता है, वैसे रोज़ नहीं होती, आपको पता ही है। ऐसे मंदिर वगैरह भगवान का स्थान हिलाना अच्छा नहीं होता है, तो अभी नवरात्रे में अच्छे से पूरी डीप क्लीनिंग हो रही है मंदिर की। और गाइस पेंट वगैरह भी करवाना है पर अभी नहीं, क्योंकि आपको पता है आज ही श्राद्ध ख़त्म हुए हैं और कल से नवरात्रे स्टार्ट हैं, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला है पेंट करवाने का मंदिर में। मंदिर हाँ, ये तो हमने पिछली बार करवाया था ना दिवाली पे के टाइम पे, तो ये देखो ये धुएं से कितना काला हो जाता है मंदिर, तो अभी दिवाली के टाइम पे फिर से करवाएंगे पेंट। तो चलो अभी सफाई हो रही है, याना उधर कर रही है सफाई और ये खेल रही है यहाँ, देखो शैतान पता नहीं क्या, यहाँ का सामान वहाँ, वहाँ का सामान इधर। याना पूजा के बर्तन वगैरह धो रही है, मूर्तियाँ वगैरह धोकर रख रही है। 2000 years later. गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइज आज है नवरात्रि का फर्स्ट डे, तो आप सबको हैप्पी नवरात्रि, नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। माता आपके घर में बहुत खुशियां लेकर आए, माता रानी ढेर सारी खुशियां लेकर आए और आप लोगों को भी बहुत आशीर्वाद दें। तो चलो गाइज जल्दी से, मैं वैसे रेडी हो गई हूँ, बस मुझे सूट डालना है और बाकी पूजा की तैयारी वगैरह सब मैंने कर ली है, बस जल्दी से पूजा करते हैं। चलो अमायरा को भी मैंने नहला दिया है, अमायरा भी आ गई है पीछे। तो गाइज मैंने सूट पहन लिया है और चलो अब चलते हैं पूजा की तैयारी करते हैं। कैसी लग रही हूँ बताना कमेंट में। तो गाइज ये है फ्रेश फूलों की माला, ये भी माता रानी को चढ़ाएंगे अभी। गाइस जो भी मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं और बस अब मैं इनको ढक दूंगी। मैंने माता रानी को भी बहुत सुंदर से तैयार किया है, ये देखिए, और कलश की स्थापना भी मैंने कर दी है, ये देखिए दुर्गे भवानी माता। तो गाइज सब बच्चे भी रेडी हो गए हैं, अमायरा को मैंने नहला दिया है वो भी रेडी हो गई है, मौली को मौली भी नहा ली है वो भी रेडी हो गई है, वो आ गई, और याना रेडी हो रही है। और गाइज सामने हमारे घर के सामने हो रहा है कीर्तन, मौली ने भी सूट डाला है आज। गाइज कैसे लग रही हो कमेंट में बताना। तो गाइज इस वीडियो को यही पेंड करते हैं, मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और जिसने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सभी फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलें गाइज, बाय बाय।
हाँ,